ये देखिए हमारे मामा का घर कितना बड़ा घर है, और यहाँ पर भी देखिए आपको आम के पेड़ देखने को मिलेंगे। ये बेल का जो है पेड़ लगा हुआ है, देखिए ऊपर वहाँ पे बेल लगी हुई हैं। और यहाँ मस्त बढ़िया एकदम पूरा गांव वाली फीलिंग है जैसा होना चाहिए। बढ़िया तख्त वगैरह लगे हुए हैं, साफ़ सुथरा, लेकिन देखिए कितना बड़ा, इसमें तो पूरा दिन क्रिकेट मैच देखा खेला जा सकता है यहाँ पर। और ये बढ़िया भगवा ध्वज लहरा रहा है। देखो भैया जैसे ही आए वहाँ से तुरंत आके लेट गए, आके नींद नहीं पूरी हो गया चंद्र साहब है। बढ़िया जो है कटहरी की पकौड़ी, जो तो ना पूरी हुई पाई तुम्हारा पकौड़ी देखी। इनसे ज़्यादा आनंद में तो कोई है ही नहीं। कहे भैया कहे लेटे हो, थके हो का? मऊ जा रही करूँ नहीं है, कहाँ करूँ नहीं करूँ है तो। सो गाइज हम लोग जाने वाले थे इटौंजा से, मामा के यहाँ पे आए थे, वहीं पे रुके हुए थे, तो वहाँ से जाने वाले थे हम लोग वापस उन्नाव की तरफ। लेकिन यहाँ पे भैया ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिसॉर्ट अली बाग के नाम से बन रहा है, तो हम लोग आ गए हैं उस रिसॉर्ट की तरफ। और ये रिसॉर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, अंदर जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि यह रिसॉर्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा रिसॉर्ट है। और यह रिसॉर्ट पूरा का पूरा 1200 बीघे में बना हुआ है, यानी आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक गांव या एक कस्बा पूरा बस सकता है। तो चलिए दिखाता हूँ, यहाँ बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें हैं, यहाँ पे देखने लायक हैं। तो आगे अभी तो ये बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में जब ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा है यह अली बाग रिसॉर्ट जो कि यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ से गोमती नदी जो है ठीक थोड़ी सी दूरी पर इधर पर बहती है, और चंद्रिका माता मंदिर जो है यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अलीबाग रिसॉर्ट। इतना बढ़िया सा ट्रैक यहाँ पे बना हुआ है, ये हट्स बनी हुई हैं छोटी छोटी बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। देखिए कितने बढ़िया पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मतलब मज़ेदार जगह है एकदम। और जब ये बनकर तैयार होगा तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होने वाला है। ऊपर से देखते चल के कैसा लगता है यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ से ऊंचाई से थोड़ा सा लेंगे तो आपको शायद हो सकता है कि चारों तरफ आपको दिखे कि कितना बड़ा है ये। और हाँ सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। वो हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, वो लोग जो है आराम से सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। और ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर से देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा, वहाँ तक जितना क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में यही अली बाग रिसॉर्ट यहाँ पर बना हुआ है। और देखिए छोटे छोटे हट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ना गोवा वाली फीलिंग आ रही है एकदम, कि ऐसा ही टाइप का कुछ बना हुआ है। और ये देखिए चारों तरफ, और वो जो जगह आप देख रहे हैं वहाँ पे, ये सब एडवेंचरस प्लेस है यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए। वो देखिए बढ़िया पानी निकल रहा है वहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है वहाँ चारों तरफ आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो चलते हैं नीचे की तरफ और आगे दिखाते हैं आपको कि कैसा है यहाँ पर ये रिसॉर्ट में और क्या क्या है देखने लायक बना हुआ है यहाँ का। और हम लोग उधर ही चल रहे हैं जहाँ पे एडवेंचर्स वगैरह के लिए बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा बहुत ही खूबसूरत। तो आपको दिखाने वाला हूँ मैं आज कि यहाँ पर और क्या क्या है जो आगे चलकर बहुत ही बढ़िया होने वाला है लखनऊ के लिए और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों के लिए। ये देखिए यहाँ पर साइकिल्स वगैरह की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। और ये देखिए मचान काफ़ी ऊँचा बना हुआ है, देखा तो ये देखिए निशानेबाजी के लिए बनाया गया है वहाँ पर ये स्पॉट। देखिए ऊंची मचान के लिए, वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब आगे आने वाले टाइम में बहुत ही खूबसूरत जगह होने वाली है ये तो पक्का है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल। अमित अपना जो है ट्रेनिंग पे जा रहा है, वाह गर्मी ज्यादा है, जीना तो पकड़ वाह चढ़ी रहे, चलो इसको चले जाओ टायर तुमको आना चाहिए ऐसा लड़क लड़क, क्या बात है, जाओ जाओ मिसिंग जाओ कम ऑन, पहले पहले चढ़, अरे इसका क्या ख्याल है तुमको, एक बार दौड़ा चले जाओ हमें, बहुत अच्छे है शाबाश, अब रस्सी पकड़ के बेटा नीचे लटक के आओ। ये जो है टायर पे एडवेंचर कर रहा है, कम ऑन मिसिंग, वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा खतरों के खिलाड़ी वाला गेम खेल रहे हैं अमित, बहुत खूब एडवेंचर वगैरह कर रहा है। तब तो मैंने सोचा जरा इस मचान से देखता हूँ कि कैसा लगता है यहाँ से रिसॉर्ट, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आगे आने वाले टाइम पे लग रहा है कि यहाँ पर जब ये बन जाएगा तब आऊँगा तो कुछ बहुत बढ़िया मतलब लगने वाला है ये पक्का। मैं दिखाता हूँ आपके मचान कैसे,
ये पेड़ देखिए कैसे किस तरीके से जो है ना मचान के बीच में इस तरीके से निकला हुआ है। चलिए चलते हैं ऊपर से देखते हैं कैसा लगता है। वाह क्या बात है यार, वाह पूरा टोटल प्लाई का बना हुआ है ये, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठ के वाह क्या नज़ारे होने वाले हैं यार यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। देखिए पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नदी बह रही है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आप देख रहे होंगे चारों तरफ नदी है और इसी के किनारे बना हुआ है ये रिसॉर्ट चारों तरफ। यहाँ पे एकदम अलग वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। यहाँ पास में गांव है, ये देखिए वहाँ पे भंडारा चल रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से भी आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अनोखा। वही पेड़ है जो नीचे हम लोगों ने देखा था, ये इस तरीके से यहाँ ऊपर की तरफ गया है पूरा। टाइम लगभग 2 साल पहले मैं पत्नीटॉप गया हुआ था, तो इसी तरीके की मचान वहाँ पर मुझे देखने को मिली थी, ग्रीन कलर की थी। यहाँ तो खैर अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ है, और सामने ठीक उसके इसी तरीके के एडवेंचरस गेम करने के लिए, एडवेंचर्स के लिए इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे बनी हुई थी। सो गाइस कुल मिलाकर जो बताया गया है कि आगे आने वाले टाइम में ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा रिसॉर्ट होने वाला है, तो जब यहाँ के इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बताया यहाँ पे 52 स्विमिंग पूल रहने वाले हैं, 52 स्विमिंग पूल और 1200 बीघे में ये जगह बनी हुई है, तो अपने आप में बड़ी नायाब बड़ी अनोखी होने वाली यार। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे वाटरिंग हो रही है, अभी मशीन यहाँ पे चालू की गई है पाइपलाइन, ये देखिए पाइपलाइन गई हुई है यहाँ से, और इस तरीके से हरा भरा रखा जाता है इस पूरे एरिया को। ये देखिए 2 लोग एक साथ जो साइकिल चलाते हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और ये देखिए बोर्ड जो है यहाँ पे आ चुकी है, बोर्ड भी यहाँ पे डाल दी गई है पहले ही। ये देखिए जो है मोटर बाइक, और ये मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी तैयारी है यहाँ पे। फाइनली इस रिसॉर्ट में बहुत कुछ है ऐसा जो देखने वाला होगा, और लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस मामा के घर की तरफ, मामानी की तरफ, और फिर उसके बाद में वहाँ से रेडी होकर निकलेंगे हम, लखनऊ में कुछ काम है और फिर पहुँचेंगे हम लोग घर। सो गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को मेरे ये दोनों ब्लॉग बहुत अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं अभी बाय बाय टाटा राधे राधे।